नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लाया हूं जिसमें हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एक निश्चित संख्या का वर्ग निकालना बड़ा ही आसान होता है, लेकिन आज मैं जो संख्या ले रहा हूं ना वो थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए, यहां पर हम जो संख्या लेंगे वो किसी निश्चित आधार के नज़दीक नहीं होगा। जैसे ये वाला संख्या तो 1000 के नज़दीक है, तो इसको आप बहुत आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन भाई ये किसके नज़दीक है, तो क्या इसमें हम किसी आधार का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों, इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये 4 अंकों की संख्या है और ये किसी भी निश्चित आधार के नजदीक नहीं है। तो भाई इस प्रकार के संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसको मैं 1000 के नजदीक तो नहीं मान सकता। उसी प्रकार यहां पर मैंने बहुत सारे प्रश्न लिए हैं जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको यह ट्रिक बड़ा ही शानदार लगेगा। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, जैसे 525 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तब मैं क्या करूंगा, या फिर 105 का तो वर्ग आप बहुत आसानी से निकालते हैं। तो मैं आज जो ट्रिक बताऊंगा ना वो इससे संबंधित होगा, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आप इस बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार मैंने बहुत सारी संख्या लिया है जिससे आपको सरल तरीका भी पता चल जाए और इस किसी भी संख्या का, देखिए किसी भी संख्या का आप वर्ग निकालना सीख सकते हैं आज के ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले, अगर आपने ऐसे ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के लिए और गणित के मैजिक मतलब जादुई ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है, उसके बाद घंटी को क्लिक करना है, उसके बाद आल को टच कर देना है, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए, हमारा मेन जो उद्देश्य है ना वो इस प्रकार के संख्या को हल करना है। तो भाई उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेसिक जानना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने कुछ ऐसी संख्या लिया है जिसका वर्ग निकालना आप बहुत आसानी से जानते हैं। जैसे इस प्रकार, चलो मैं यहां की बात करता हूं, इस संख्या का वर्ग निकालना हो मुझे, तो मुझे यहां पर ना क्या करना है, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने आना चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या का निकालने का वर्ग निकालने का बहुत सारे ट्रिक है, जिसमें से मैं सरल सरल वाला बताऊंगा। देखिएगा, जैसे इसका मुझे वर्ग निकालना हो, देखिए मैं इस पूरी संख्या की बात कर रहा हूं, इसका वर्ग निकालना है, तो निश्चित रूप से यहां पर इस संख्या की मैं बात करूं तो यहां पर हम 1000 को क्या ले रहे हैं, मुख्य रूप से आधार ले रहे हैं, जबकि यहां पर हम ये नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको आधार ले रहा हूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप जब भी बनाएंगे ना तो आपको एक सिंपल से ट्रिक का प्रयोग करना होगा। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया है उसमें ये वाला संख्या को आपको क्या कर देना है, जितना अधिक है, अधिक है या फिर कम है, है ना, दोनों में अलग अलग ट्रिक अपनाएंगे। जैसे अधिक है तो 60 अधिक, ना 1000 से कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो बस आपको जितना अधिक है उसको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा, तो यहां पर तो 0 × 12 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा इतना। अब अगर आधार क्या हो, 1000 हो, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ध्यान देना है कि आधार में जितने जीरो है, आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक आपको यहां पर और लिखना है। अगर वो ज्यादा अंक का हो जाए तो आगे लिखेंगे, तो हम यहां पर 3 अंक लिखेंगे। और वो 3 अंक कौन सा लिखेंगे, यहां पर जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे 60 दिखाई दे रहा है, जितना अधिक या कम हो उसका आपको वर्ग निकालना है। अब इसका वर्ग निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, वर्ग का मतलब होता है 60 × 60, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6×6 = 36 और 00। अब देखिए, मैंने क्या बताया है, यहाँ पर आप 3 अंक ही लिख सकते हैं, 3 जीरो है ना आधार में, तो आप 3 अंक ही लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक अंक क्या हो जाएगा, सामने जाएगा, मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0, 0 और 6 लिखूंगा और 3 जो है सामने चला जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 1 और 1, और ये आपका उत्तर हो गया है। तो इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मेरा जो हर वीडियो है ना वो विशेष होता है। अब देखिए, इसमें हम जब बनाएंगे तो भाई हमारे पास समस्या ये है कि हम 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम ये तो जान गए हैं कि ये जो आधार है इसका निकटतम आधार कितना है, 1000 मानेंगे। अब 1000 से ये कितना अधिक है, तो ये जो है 99 अधिक है, तो यहाँ पर तो हम 99 को जोड़ देंगे। ठीक है, 99 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और 9, 9 × 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा। फिर 9 × 18 और 1 = 19 हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 119 लिखना है, और यहाँ पर जो 1 है इतना, मतलब 1198 आ रहा है। लेकिन आपको याद रखना है, आधार में अगर 3 जीरो है तो आपको यहाँ पर 3 जीरो और लिखना है, मतलब 3 अंक लिखना है। चाहे तो आप इसी में क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो भी तरीका बता रहा हूँ ना उसमें आप इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करिए।
या तो इसमें आधार में जितने जीरो है इतने जीरो आप यहां पर पहले से लगा सकते हैं। अब नीचे में क्या करना है, इस 99 का वर्ग लगा के लिखना होगा, है ना। अब इसमें हमें ये सोचना नहीं है कि हमें कितने अंकों को लिखना है, बस इसके नीचे लिखना है। अब 99 का वर्ग निकालने का भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक होता है भाई, जब भी आपको 99 या कोई भी संख्या जिसमें 9 ही आया हो, ये 3 बार 4 बार कितने बार भी क्यों ना आया हो, इसका मुझे वर्ग निकालना हो, तो मैंने बहुत बार ये ट्रिक बताया है कि आप क्या करिए, लास्ट संख्या का वर्ग निकालिए, तो 9 या 81, अब इसके बीच में जो संख्या बच गया है, जितना संख्या बच गया है उतना संख्या और आएगा, लेकिन इसका तरीका क्या है, यहां पर 1 है तो इससे 1 कम संख्या लिखेंगे मतलब 0, और यहां पर 8 है तो इससे 1 अधिक संख्या लिखेंगे मतलब कितना 9, और इसी संख्या को ये गुना हो गया है, ये 99 का क्या है स्क्वायर है, अब इसको आपको यहां पर लिखना है। तो देखिए 4 अंकों का है तो आप यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे 9, 8, 0 और 1। अब इसको आपको जोड़ना है, देखिए बताने में मुझे समय लग रहा है लेकिन जब आप इस ट्रिक को सीख जाएंगे ना तो आप इसको फटाफट यूज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए 8, 8, 16 और 1, 17 का यहाँ पर 7 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा तो 9 और 1, 10 हो जाएगा, हासिल फिर 1 जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो इसको आप कैलकुलेटर में मिलान करके जरूर देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था, यदि इसका मुझे वर्ग निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो संख्या कितने बार भी क्यों ना आया हो, 9 जो है कितने बार भी क्यों ना आया हो, इसका वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। आपको क्या करना है, लास्ट संख्या का वर्ग कर देना है, मतलब 9 का वर्ग करेंगे, यहां पर देखिए लास्ट संख्या की बात कर रहे हैं और उसके अंदर में 3 संख्या और आएगा, तो 9 या 81, यहां पर मुझे 3 संख्या और लिखना है और यहां पर भी मुझे 3 संख्या लिखना है, और वो संख्या कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए ये वाला संख्या तो कट हो गया, टोटल 4 अंकों का था, 9 या 81 कर दिया, 3 संख्या और बचा, 3 संख्या यहां पर आएगा, 1 से कम करेंगे मतलब 0 0 0 लिखेंगे और 8 से अधिक करेंगे मतलब 9 9 और 9 करेंगे। तो इस प्रकार आप 3 4 5 जितने भी अंकों का वर्ग निकालना चाहते हैं इस ट्रिक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, केवल 9 वाला संख्या हो तब, जैसे हम यहां पर 99 का प्रयोग किए तो इसी ट्रिक का प्रयोग हमने किया है। अब देखिए मुझे इसका वर्ग निकालना हो, अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है इस प्रकार के संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, यहां पर मुझे तो पता चल गया है कि यहां पर अब जो मैं आधार ले रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो हमारा जो आधार है ना वो 1000 नहीं है बल्कि क्या है 2000 है, ध्यान दीजिएगा ये 1000 के नजदीक नहीं है, ये 2000 के नजदीक है। अब ये कितना अधिक है, 2000 से 80 अधिक है, ध्यान दीजिए यहां पर कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर तो 0 ही आएगा, 8 × 2 = 16 मतलब यहां पर 160 आ जाएगा, यहां पर 2 ही आएगा। अब ध्यान देना है आपने जो भी आधार लिया है उसका आपको ये देख लेना है कि यहां पर कितना है, आधार क्या है 2000 है, तो आपको इसको क्या कर देना है, लास्ट में आपको क्या कर देना है 2 से गुना करना है, एक्चुअल में इसको 2000 से ही गुना करना है। मैं केवल 2 से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट में हम 3 जीरो लगा देंगे, तो यहां पर देखिए 2 × 0 = 0 हो जाएगा, है ना, 6 × 12 का 2 हो जाएगा, या फिर 16 × 32 कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और हासिल करके कितना हो गया 3 हो गया और 2 × 2 = 4 इतना करेंगे। और ये तो मैंने पहले से बता रखा है इसमें जितने जीरो होते हैं उतना जीरो आपको क्या कर देना है यहां पर बढ़ा देना है, ठीक है, मैं 3 जीरो यहां पर बढ़ा देता हूं। अब क्या करना है, हमारा जितना अधिक था, कितना अधिक था 80 अधिक था, तो 80 का वर्ग निकालेंगे, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं भाई, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 88 64 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए 2 जीरो होगा। अब इसको आप डायरेक्ट उठाकर यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर में हमने पहले से उतना जीरो लगा दिए हैं, हमारा टेंशन खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 6 आएगा, इन सबको आपको जोड़ना है, इसको जोड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है, बस आपको डायरेक्ट लिखते जाना है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, 3 और 4 और ये आपका इसका क्या हो गया है, वर्ग हो गया है। ये बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर देखिए इसका तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इनको निकालने के लिए आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर कितना करेंगे, ये 1024 हो जाएगा, खत्म कहानी, चूंकि ये किसके नजदीक है 1000 इसका जो आधार है, तो आप इसमें क्या करिए, पहले से चाहे तो आप 3 जीरो लगा दीजिए, अब आपका टेंशन खत्म हो गया है। फिर आपको क्या करना है, 12 का वर्ग निकालना है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, डायरेक्ट आप यहां पर 144 लिख दीजिए और यहां पर 4 4 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 और 1। इसमें आपको किसी भी संख्या से गुना करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि 1000 को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आप सोच सकते हैं इसको 1000 से गुना करेंगे तो इतना ही तो आता ना, मतलब इतना को गुना करने के बाद। तो अब देखिए अगले प्रश्न में हम क्या करेंगे, इसका निकालना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, हमारा उद्देश्य क्या है, यहां पर 12 बस जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप क्या करेंगे, जब 12 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 24, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है, यह किसके आधार के नजदीक है, यह है
5000 के नजदीक कितना ध्यान देना है, और जिस आधार के नजदीक हो उससे आपको गुना करना, उससे गुना करना है पूरा 5000 से गुना कर दीजिए। मैं केवल 5 से गुना करके 3 जीरो लगा देता हूं, आप चाहे तो यहां पर डायरेक्ट 5000 लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि साढ़े ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं ना इसलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5 चौक 20 का शून्य हो जाएगा और हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 को पूरा लिख देंगे क्योंकि यहां पर 0 है, फिर 5 पंचे 25। अब हमको पता है कि यहां पर कितने जीरो लगा देंगे, इस उत्तर के आने के बाद आपको 3 जीरो और लगा देना है ताकि आपका गणित जो है क्या हो जाए, सरल हो जाए। अब क्या करना है, जितना अधिक है उसका वर्ग लिखिए, और ये 3 अंकों का लिखना है ना, तो हमने तो 0 पहले से लगा दी है तो आप कोई टेंशन नहीं है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, और ये हमारा उत्तर आ गया। यहाँ पर 4 आएगा 4 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा 1 आएगा, 2 और 5 आएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। इसमें किसी प्रकार की आपको और मतलब जोड़ घटाव करने की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाना तो बड़ा आसान है, आधार कितना है इसका, 100 है, इसमें आप क्या करिएगा जितना अधिक है उसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। चूंकि आधार कितना है, 100 का है, मतलब यहाँ पर आप 2 जीरो अगर पहले से लगा देते हैं ना तो आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 5 का आपको सीधा वर्ग करना है, 5 पंचे 25 आप यहाँ पर लिखेगा और इसको सीधा हल कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें किसी प्रकार का गुना करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस सावधानी बरतना है, जितना जीरो होता है आधार में उतना जीरो यहाँ पर आपको लगा देना है, तो आपसे कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, ये 25 अधिक है और हम आधार कौन सा ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं। अब ध्यान यहां पर देना है कैसे बनाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 25 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब 550 हो जाएगा, ये 550 कर दिए। हमको पता है आधार कौन सा ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, तो इसको वास्तव में 500 से गुना करना होता है। मैं 5 से गुना करके 2 जीरो लगा देता हूं, चाहे तो आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं, साठ का प्रयोग करेंगे तो केवल 5 से गुना करिए, अब 2 जीरो लगा दीजिए, इनको गुना करेंगे तो 5 शून्य 0 होगा, 5 पंचे 25 का 5 हो जाएगा, हासिल यहां पर 2 हो जाएगा, फिर 5 पंचे 25 और 2 करके कितना हो गया, 27 हो गया। अब 2 जीरो आपको यहां पर अलग से लगाना है, उसके बाद क्या करना है, जितना अधिक था 25 अधिक था तो 25 का वर्ग करेंगे, और 25 का वर्ग कितना होता है, निश्चित रूप से आपको एक ट्रिक बता देता हूं, कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 हो इसका वर्ग निकालना हो तो आप क्या करिएगा, इसका बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है, इकाई की संख्या का वर्ग करिए, कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, और दहाई में जो संख्या होता है उसको एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए, 2 है तो 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, ये देखिए आपका वर्ग निकल गया। ये किसी भी संख्या के लिए इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मुझे अगर 45 का वर्ग निकालना होना तब भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 पंचे 25 लिखेंगे, 4 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 4 पंचे 20, और ये आपका वर्ग हो गया है। तो इस ट्रिक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो 5 पंचे 25 को हम क्या करेंगे, 25 गुणित 25 मतलब 625 को आपको यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि हमने पहले से जीरो लगा लिया है इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि लास्ट में कितने अंक को छोड़ना है, ये हमारा उत्तर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो दोस्तों इसको आप एक बार कैलकुलेटर में मिलान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिक तो बिल्कुल सही बताते हैं, हो सकता है कई बार जोड़ घटाव गुना करने में थोड़ी सी गलती हो जाए, उसके लिए आप थोड़ा सा इसका मिलान करके जरूर देख लीजिए। अब हमारा वो कठिन प्रश्न आ गया है, देख सकते हैं मैंने सरल से स्टार्ट करके कठिन की ओर ले गया हूं। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न को जब हम बनाएंगे, ये कठिन सा प्रश्न आपको जो दिखाई दे रहा है इसको आप कैसे बनाएंगे, चलो इसको हम पहले बनाते हैं। इसको बनाने के लिए कौन सा ट्रिक का प्रयोग करते हैं आप लोग, निश्चित रूप से इसका हम आधार देखेंगे, लेकिन जो मैं प्रश्न बता रहा हूं इसमें हम उस प्रकार के आधार का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें हमको ये समझ आ गया है कि 1000 के अगर नजदीक है तो ये 1000 से कितना कम है, निश्चित रूप से ये 12 कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें इस संख्या में 12 घटा के लिखना होगा, 12 घटा के लिखना है। और यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम आधार 1000 ले रहे हैं तो गुना करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर तो 6 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। और मैं जो ट्रिक बताता हूँ उसके आधार पर, आधार में जितने जीरो हैं उतने जीरो आप यहाँ पर अगर लगा देते हैं तो आपका अगला स्टेप सरल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या है उसका सीधा वर्ग करके उसके नीचे लिख दीजिए, किसी भी संख्या को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हमने किसी जगह कोई भी संख्या का गुना नहीं किया, दूसरे स्टेप में यहाँ पर जो हमने स्टेप लगाए ना उसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जीरो लगा देना है अगर आधार 1000 ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए, इसको हम सीधा लिख देंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। इसका थोड़ा सा मिलान जरूर कर लीजिएगा, लेकिन इसको हम कैसे बनाएंगे, अब देखिए मेन प्रश्न हमारा स्टार्ट हो रहा है, इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको हम कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए हमारा जो आधार है ना
वो 9 है, है ना, 9000 है, हजार नहीं है, 9000 है। अब कैसे करेंगे, तो भाई इसको तो जोड़ेंगे तो 80 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, इस प्रकार लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे इतना। हमको पता है कि हम 9000 को आधार ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे 9 से, है ना। एक्चुअल में 9 से नहीं करना है, 9000 से कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ट्रिक ये है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतता हूँ और क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ। तो उसी ट्रिक का आप भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम 9000 ले रहे हैं तो 9000 से ही गुना करेंगे, अन्यथा आप 3 जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे 9000 हो जाएगा, फिर 9×6=54 का आपको 4 लिखना है, हासिल 5 हो गया। 9×1=9 और 9 और 5 कितना हो रहा है, 14×4 हासिल कितना हो जाएगा, 1 चला जाएगा। और 9×81 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया यहाँ पर जितने जीरो है उतना जीरो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए मैं पहचान के लिए थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूँ, ये 3 जीरो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके आधार में 3 जीरो है। अब आपको क्या करना है, जितना अधिक है उसका वर्ग करना है, तो 88×64 हो जाएगा, 00 लगा देंगे क्योंकि हम वर्ग निकाल रहे हैं। अब इसको आपको यहाँ पर लिखना है, तो 004 और ये 6 करेंगे और ये आपका उत्तर हो गया। इसको आप सीधा लिख दीजिएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और 8 आएगा और ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो इसका आप मिलान करके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो सके। इसका हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 25 करेंगे क्योंकि ये क्या है, 9000 को हम आधार ले रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये 9050 हो जाएगा। आधार कौन सा ले रहे हैं, उसी से आपको यहाँ पर क्या करना होता है, गुना करना होता है। यदि हम 9000 ले रहे हैं तो 9000 से गुना करेंगे, वास्तव में आपको तो 9 से गुना करना है। ये मैं यहाँ से गुना कर रहा हूँ, देखिएगा ये शून्य हो गया, 9×5=45 है, तो यहाँ पर शून्य है तो 45 लिखेंगे, 9×81 यहाँ पर पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 जीरो हम अलग से लिख देंगे, है ना, क्योंकि आधार में 3 जीरो है, तो 1, 2 और 3। अब जितना अधिक है, 25 अधिक है, तो 25 का वर्ग अभी मैंने निकाला था 625। अब इसको आपको सीधा लिख देना है, यहाँ पर 5, 2, 6, 0, 5, 4, 1 और 8। और दोस्तों ये आपका वर्ग हो गया है। निश्चित रूप से आप इसी प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करके वर्ग निकालना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और दोस्तों निश्चित रूप से अगर आपको आज का जो ट्रिक है वो पसंद आया है ना, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जो है इस ट्रिक का प्रयोग कर सके। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे में हमारे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।